हाथरस के बाद बलरामपुर गैंगरेप पीड़िता का भी देर रात को अंतिम संस्कार कर दिया गया। बता दें कि पीड़िता की कल रात को मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद भारी पुलिस फोर्स की सुरक्षा के बीच पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया गया। कॉलेज में एडमिशन की फीस जमा करने के बाद छात्रा अपने घर लौट रही थी, इस दौरान छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। यूपी के हाथरस, बलरामपुर, बुलंदशहर के बाद एमपी के खरगोन और राजस्थान के बारा में भी गैंगरेप। देश भर में गैंगरेप आरोपियों के खिलाफ उमड़ रहा है गुस्सा। योगी सरकार से इंसाफ की उम्मीद में परिवार और जनता। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दी जन्मदिन की बधाई, बोले उनकी समझदारी देश के अमानत। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी समृद्ध अंतर्दृष्टि और नीतिगत मामलों की समझदारी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी अमानत है। वह कमजोरों की सेवा करने के प्रति बेहद दयालु हैं। पीड़ित परिवार से मिलने आज हाथरस जा सकती है प्रियंका। यूपी सरकार ने मुआवजे की रकम में बढ़ोतरी कर दी है। परिजनों को 25 लाख रुपए मिलेंगे और साथ ही घर देने का भी वादा किया गया है। लड़की के भाई को सरकारी नौकरी भी देने की वादा किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर निगाहें, सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका। देशभर में इस मामले को लेकर पैदा हुए आक्रोश के बीच उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक SIT गठन की है जो 7 दिन के अंदर पूरे मामले की रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। साथ ही आज युवती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ सकती है जो उसके साथ हुई दरिंदगी का एक एक परत खोल के सामने रख देगी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में दिन दहाड़े एक कैदी की चाकू गूंद कर हत्या कर दी गई। घटना के साथ ही एक कैदी का वीडियो भी सामने आया जिसमें वो अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए जेल प्रशासन पर बेहद गंभीर आरोप लगा रहा। रघुवंश बाबू को अपना बताने की होड़, किसी ने सिर मुंडवाया तो कोई कह रहा है मंदिर बनवाएंगे। बिहार में समाजवादी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का बीते दिनों निधन हो गया था। उनकी वोट की फसल काटने के लिए पार्टियों और नेताओं में होड़ लगी हुई है। कोई सिर मुंडवा रहा है तो कोई किसी मूर्ति लगवाने का दावा कर रहा है, कोई जमीन दान कर रहा है तो किसी ने रघुवंश प्रसाद सिंह का मंदिर बनवाने का दावा कर दिया। अक्षय की लक्ष्मी बॉम्ब थिएटर में रिलीज नहीं होगी, लेकिन न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और UAE जैसे देशों में दर्शकों को यह फिल्म बड़े पर्दे पर देखने को मिल सकती है। 9 नवंबर को लक्ष्मी बॉम्ब को इन देशों में थिएटर में रिलीज किया जाएगा। घातक गेंदबाजी के आगे राजस्थान पस, कोलकाता ने 37 रनों से हराया। IPL में KKR की यह दूसरी जीत है। वहीं पिछले 2 मैचों में 200 से ज़्यादा रन चेज करने वाली राजस्थान की टीम को 2 जीत के बाद यह बड़ी हार मिली है। बाबरी मस्जिद केस पर आए फैसले को लेकर पाकिस्तान ने उगला जहर। पाकिस्तान ने कहा कि अयोध्या में ऐतिहासिक मस्जिद गिराने के लिए जिम्मेदार लोगों को बरी करना शर्मनाक है और पाकिस्तान इसकी निंदा करता है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए DNP इंडिया के साथ और देखते रहिए DNP इंडिया। साथ ही शेयर, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।